गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पोदार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, किरेलता और किरेल अणु के बारे में। देखिए, बात करते हैं क्या होती है किरेलता। किरेल, ठीक है, वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? किरेल अणु कहलाते हैं। किसी भी कंपाउंड के द्वारा प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित की जाएगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें सममिति तत्व हैं या नहीं, जिसकी हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। अगर किसी कंपाउंड में सममिति तत्व नहीं है तो वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा, यानी कि किसी भी कंपाउंड में प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए असममितता का होना आवश्यक है। किरेल एक ग्रीक वर्ड है जिसका सीधा सा मतलब होता है हाथ। देखिए, अगर हम लोग देखें तो हमारे जो हाथ हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। हमारे हाथ जो है वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, यानी कि जब हम लोग एक हाथ को दर्पण के सामने रखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो ग्रीक वर्ड काइरल जो है उसका सिंबल सा मीन होता है हाथ, और जो प्रकाशिक समावयवी हैं वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं। जनरली किसी भी कार्बनिक यौगिक में सामान्यतः अगर हम लोग देखें तो जो असममितता पाई जाती है वह किरेल कार्बन के कारण पाई जाती है। असममितता जो है वह किरेल कार्बन के कारण पाई जाती है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि किरेल कार्बन होते क्या हैं। चलिए, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो है वह चार अलग अलग कंपाउंड्स के साथ या परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। मान लीजिए हमारे पास है ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें कार्बन जो है वह अलग अलग परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कार्बन जो है उसे हम लोग कहेंगे किरेल कार्बन। इस कार्बन को हम लोग कहेंगे किरेल कार्बन, और किरेल कार्बन को कंपाउंड में हम लोग हमेशा एक स्टार के माध्यम से इंडिकेट करते हैं। किरेल कार्बन, सीधी सी परिभाषा हो गई कि अगर कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों द्वारा संतुष्ट की जाए तो ऐसे जो कार्बन है उसे हम लोग किरेल कार्बन कहते हैं, और किरेल कार्बन युक्त जो कंपाउंड है वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें सममिति तत्व उपस्थित नहीं होते हैं। अगर हम लोग देखें तो इस कंपाउंड का अगर हम लोग दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब जब इस कंपाउंड का बनाएंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, या दूसरी शब्दों में कहें तो ये दोनों जो हैं वो आपस में क्या हैं, प्रकाशिक समावयवी हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो किरेल कार्बन जो है वह एक त्रिविमजीनी केंद्र का काम करता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर का काम करता है, त्रिविमजीनी केंद्र काम करता है। यहाँ से अणु में असममितता उत्पन्न होती है और असममितता के कारण वह कंपाउंड प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने लग जाता है। देखिए, हम लोग कुछ कंपाउंड्स की बात करते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल की अगर स्ट्रक्चर लिखी जाए तो हमारे पास OH
एच, यह है सी एस थ्री, यह है सी एस टू और यह है सी एस थ्री। जब हम लोग इसको एक 3D मैनर में लिखेंगे तो ये कीरियल कार्बन, क्यों? क्योंकि इसकी तीनों संयोजकता हैं, एक सी एस थ्री, एक एथिल समूह के साथ, एक ओ एच के साथ और एक एच के साथ संतुष्ट। जब हम लोग इसको लिखेंगे तो यह हो गया सी एस थ्री, ठीक है, यह हो गया ओ एच, यह हो गया एच, यह हो गया सी टू एच फाइव, ठीक है। ब्यूटेन टू ऑल, यह जो है वह इसमें किसका काम कर रहा है या क्या है, यह कीरियल कार्बन है। जब हम लोग इस कंपाउंड का मिरर इमेज यानी प्रकाशिक समावयवी बनाएंगे तो वह कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, सी एस सी ओ एच सी टू एच फाइव और यह एच, ये दोनों जो हैं वो आपस में क्या है, प्रकाशिक समावयवी है, ठीक है। ऐसे कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं जिनको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम लोग एक और बात करें तो हम लोग बात करते हैं लैक्टिक एसिड के बारे में, H, यह लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। इसमें यह जो कार्बन है यह किसका काम कर रहा है, यह कीरेल कार्बन का काम कर रहा है। ये कीरेल कार्बन जो है जब हम लोग इसके सामने इसका मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो वह कुछ इस प्रकार होगा, H, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रकाशिक समावयवी है। और आपको पता है कि प्रकाशिक समावयवी जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं। कार्बन जो यहाँ पे है वह त्रिविमजिनी केंद्र का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इस कंपाउंड में इस कार्बन के कीरेल होने के कारण ही प्रकाशिक समावयवता उत्पन्न हुई है। ऐसे जो कंपाउंड है उनको हम लोग बोलते हैं कीरेल अणु, काइरल मॉलिक्यूल। और यह है जो फिनोमिना है उसे हम लोग बोलते हैं काइरेलिटी, कीरेलता। कभी भी हम लोग अगर बात करें तो जो प्रकाशिक समावयवी हैं, जैसा हम लोग पहले भी ये बात कर चुके हैं कि प्रकाशिक समावयवी जो हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं, भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं वो क्या होते हैं, हमेशा समान होते हैं। केवल उनके प्रकाशिक गुणों में क्या पाया जाता है, अंतर यानी भिन्नता पाई जाती है। जो प्रकाशिक समावयवी हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण आपस में समान होते हैं और केवल उनके प्रकाशिक गुणों में अंतर पाया जाता है। इसके अलावा अगर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की हम लोग बात करें, जो प्रकाशिक समावयवी हैं उनके लिए घूर्णन कोण का जो मान है, यानी कि हम लोग बात करें अल्फा, घूर्णन कोण का जो मान है वह क्या होता है, समान होता है। घूर्णन कोण का मान हमेशा समान होता है, केवल उनके जो चिन्ह हैं वो क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये बात कर चुके हैं कि प्रकाशिक समावयवी जिनको हम लोग लिख रहे थे स्मॉल डी एंड स्मॉल एल के मैनर में, तो ये जो है वो एक दूसरे के सापेक्ष अगर हम लोग देखें तो डी जो है वह क्लॉकवाइज रोटेशन से और एल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से बनता है। तो केवल इनके जो कोण हैं उनके मान तो होते हैं समान, लेकिन इनके चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यह एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कीरेलता और कीरेल अणु के बारे में। अब हम लोग ऐसे कंपाउंड्स की बात करते हैं जिनमें दो कीरेल केंद्र पाए जाते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं दो कीरेल केंद्र युक्त अणु, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम दो कीरेल कार्बन पाए जाते हों। इनमें भी दो संभावनाएँ बनती हैं। पहली क्या है कि दोनों कीरेल केंद्र से असमान समूह जुड़े हों, और दूसरी है कि दोनों कीरेल केंद्र से समान समूह जुड़े हुए हों। हम लोग पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें जो कीरेल केंद्र हैं, दोनों कीरेल केंद्र उनके साथ अलग अलग समूह जुड़े हुए हों। जैसे देखिए हमारे पास यह कंपाउंड है
अगर इस कंपाउंड के नाम की बात करें, IUPAC नाम के बारे में बात करें, तो यह हो गया 2,3-dichlorobutanoic अम्ल। 2,3-dichlorobutanoic अम्ल में अगर हम लोग बात करें, तो ये जो दो कार्बन हैं, एक ये और एक ये दोनों किरेल कार्बन हैं, यानी कि ये जो हैं वो त्रिविम जीनी केंद्र का काम कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे जुड़ा हुआ Cl, यहाँ पे इससे साथ जुड़ा हुआ Cl, देखिए यहाँ पे इस किरेल कार्बन पे जुड़ा हुआ CH3 और यहाँ पे जुड़ा हुआ COOH, यानी कि ये जो दो ग्रुप है वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें, तो इस कंपाउंड में टोटल 4 प्रकाशिक समावयवी बनेंगे। किसी भी कंपाउंड में प्रकाशिक समावयवियों की, किसी भी किरेल कंपाउंड में अगर प्रकाशिक समावयवियों की संख्या देखी जाए, तो वह बताई जाती है 2n से। अब यहाँ पे किरेल कार्बन की संख्या कितनी है, 2, तो 2^2 इक्वल टू क्या हो गया, 4, यानी कि इसमें जो प्रकाशिक समावयवी हैं उनकी संख्या होगी 4। तो हम लोग अगर इसका प्रकाशिक समावयवी बनाएं, तो उसको हम लोग को लिखेंगे CH3। तो इसका एक मिरर इमेज हो गया ये, यानी कि पहला प्रकाशिक समावयवी ये, दूसरा प्रकाशिक समावयवी ये, ठीक है। ये दोनों प्रकाशिक समावयवी जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि यह Cl जो है वो इधर लिखा जाए, यह H जो है वो इधर लिखा जाए। तो हमारे पास तो जो स्ट्रक्चर अब आएगी, उनको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि COOH, CCl, H, CH3, ये हो गया Cl, ये हो गया H। इसका जब हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे, तो इसका मिरर इमेज हमारे पास कुछ इस प्रकार होगा, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये COOH, ये H, ये Cl और ये है CH3। यानी कि हम लोग इस 2,3-dichlorobutanoic एसिड के टोटल 4 समावयवी बना चुके हैं। 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4। अब हम लोग ये बात कर चुके हैं कि प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं तथा एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब रूपी, यानी कि एनेंसियमर्स हम लोग इनको बोलते हैं। वे प्रकाशिक समावयवी, ध्यान दीजिएगा, वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं विवरिम समावयवी। डाइस्टीरियोमर्स इनको बोला जाता है। यहाँ पे देखिए कि यह है जो कंपाउंड है, वह है इसका दर्पण प्रतिबिंब है। देखिए Cl के पास Cl है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर, फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे के क्या है, प्रतिबिंब रूपी हैं, ठीक है। यह जो स्ट्रक्चर है, इसमें भी देखिए तीसरा और चौथा समावयवी जो है वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, Cl यहाँ, यहाँ पे H, यानी कि ये भी एक दूसरे के क्या हैं, दर्पण प्रतिबिंब हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर थर्ड और फोर्थ जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, प्रतिबिंब रूपी हैं। यानी कि स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकेंड, स्ट्रक्चर थर्ड और फोर्थ जो है वो आपस में क्या है, एनेंसियोमर्स हैं। अगर हम लोग स्ट्रक्चर फर्स्ट थर्ड की बात करें, स्ट्रक्चर
फर्स्ट और थर्ड की बात करें, स्ट्रक्चर फर्स्ट और फोर्थ की बात करें, यह है तो प्रकाशिक समावयवी, लेकिन ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। यह है स्ट्रक्चर फर्स्ट और यह है स्ट्रक्चर सेकेंड। देखिए यहाँ पे सी एल था, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे इधर भी सी एल था, यहाँ पे इधर क्या है एच, तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट थर्ड, स्ट्रक्चर फर्स्ट फोर्थ, स्ट्रक्चर सेकेंड थर्ड, स्ट्रक्चर सेकेंड और फोर्थ जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, विवरिम समावयवी हैं। स्ट्रक्चर फर्स्ट थर्ड, स्ट्रक्चर फर्स्ट फोर्थ, स्ट्रक्चर सेकेंड थर्ड, स्ट्रक्चर सेकेंड फोर्थ जो है वो एक दूसरे के विवरिम समावयवी हैं। आप देखिएगा मिला के इनको कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, यानी कि ये हूबहू एक दूसरे के जैसे दिखाई नहीं देते हैं। मिरर इमेज जो है वो स्ट्रक्चर सेम होती है, केवल उनमें पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। इन समावयवियों में ये जो दोनों रूप हैं, स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकेंड, इनको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रो रूप, इनको बोला जाता है एरिथ्रो रूप। और यह है जो है इनको हम लोग बोलते हैं थ्रियो रूप। क्या होते हैं ये एरिथ्रो और थ्रियो? वास्तव में एरिथ्रो और थ्रियो रूप जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी एक शर्करा के नाम से लिए गए हैं, जिनको हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं। यह है इरिथ्रोज शर्करा है और यह जो है वह है थ्रियोज शर्करा है। देखिए इरिथ्रो रूप ये कैसे हैं कि इनमें जो किरेल कार्बन से जो समूह जुड़े हुए हैं दोनों, अगर समान समूह एक और हैं, समान समूह यहाँ पे OH OH, यहाँ पे CL CL, तो ऐसे कंपाउंड यानी यहाँ पे HH की भी हम लोग बात कर सकते हैं। समान समूह यदि एक ही तरफ होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रो रूप। अगर समान समूह एक तरफ नहीं होते हैं जैसा कि इनमें है तो उनको हम लोग बोलते हैं थ्रियो रूप। और यह जो नाम है एरिथ्रो व थ्रियो वह एरिथ्रोज और थ्रियोज शर्करा के संदर्भ में दिया गया है। इस प्रकार हम लोग ब्यूटेनोइक अम्ल 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल जो हैं उसके चार प्रकाशिक समावयवी पढ़ते हैं, जिनमें से पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा आपस में प्रकाशिक समावयवी यानी सॉरी माफ कीजिएगा प्रतिबिंब रूपी होते हैं। पहला तीसरा और दूसरा चौथा आपस में डाइस्टीरियोमर्स यानी विवरिम समावयवी होते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में जो किरेल कार्बन है, दोनों किरेल कार्बन है, अगर उनके साथ समान समूह जुड़े हुए हों, जैसे कि हम लोग बात करें टार्टरिक अम्ल के बारे में, हम लोग इसका दूसरा पैटर्न अभी पढ़ रहे हैं, तो टार्टरिक अम्ल जो है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। टार्टरिक अम्ल की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। देखिए यहाँ पे जो किरेल कार्बन है उनकी संख्या है दो, यह है एक और यह है एक। इसमें देखिए यहाँ पे भी COOH है, यहाँ पे भी COOH है, यहाँ पे तो H और OH है ही, ठीक है। जब हम लोग इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो हमारे पास जो दूसरा समावयवी होगा उसको हम लोग बोल लिखेंगे कुछ इस प्रकार COOH COOH OH CH H और यह हो गया COOH। यह है इसका इरिथ्रो रूप। इरिथ्रो रूप इसलिए क्योंकि दोनों जो OH हैं वो एक ही तरफ हैं। अगर हम लोग इसका अगला स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार लिखें यानी इसका एक थ्रियो रूप हम लोग लिखें तो हम लोग उसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे।
ये टार्टरिक अम्ल की जो है वो कुल चार संरचनाएं हो चुकी हैं। यह जो है इरिथ्रो रूप, और ये इधर वाला जो है वो क्या हो गया थ्रियो रूप। अब देखिए आप, अगर हम लोग बात करें तो प्रकाशिक समावयवियों की संख्या का कैलकुलेशन करने पे हमें ये पता चलेगा कि जो कीरेल कार्बन की संख्या है उसके आधार पर जो टार्टरिक अम्ल है उसमें समावयवियों की संख्या होनी चाहिए कितनी, चार। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इस कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे तो अगर यहाँ से हम लोग एक प्लेन गुजारे, सममिति तल गुजारे, तो हम लोग इस कंपाउंड को दो बराबर भागों में काट सकते हैं। अगर आपको याद है तो हम लोगों ने ये कल लिखा था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी कंपाउंड को हम लोग काल्पनिक रूप से दो बराबर भागों में बांट सकें तो वह कभी भी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। यानी कि जो टार्टरिक अम्ल है उसका यह जो रूप है वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। इन कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या, मीजो टार्टरिक अम्ल, मीजो रूप इसको बोला जाता है। यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित इसलिए भी नहीं कर पाएगा कि इसमें जो दोनों कीरेल कार्बन हैं उनके कारण घूर्णन कोण तो होगा, यानी कि यह जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसको रोटेट तो करेंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट और दोनों का घूर्णन कोण का मान एक दूसरे के बराबर होगा। इसलिए आंतरिक प्रतिकार के कारण, किसके कारण, आंतरिक प्रतिकार के कारण। आंतरिक प्रतिकार क्या होता है? आंतरिक प्रतिकार का मतलब होता है कि अगर एक ही अणु में कोई दो ऐसे केंद्र हों जिनसे घूर्णन कोण का मान बराबर और दिशा विपरीत हो तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिससे यौगिक जो है वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। हम लोग कह सकते हैं कि यौगिक जो है वह ध्रुवण अघूर्णक हो सकता है, यौगिक जो है वह ध्रुवण अघूर्णक हो सकता है। तो टार्टरिक अम्ल का जो मीजो रूप है वह, या हम लोग कहें कि एरिथ्रो रूप जो है वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, केवल थ्रियो रूप में ही प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टार्टरिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल जो है उसके केवल दो ही प्रकाशिक समावयवी होते हैं, होने चाहिए थे कितने, चार, लेकिन इनमें सममिति तल पाए जाने के कारण ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे कि कैसे किसी 3D स्ट्रक्चर को बोर्ड के ऊपर 2D में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। थैंक यू।